हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी आप देख सकते हो मैं हमारे पूल में हूँ, और जो कि मैंने आपको इसकी रेसिपी भी बताई है। रेसिपी मींस कि जैसे इसको क्राफ्ट करना है, जैसे भी आपने देख लिया होगा। तो और पीछे मोटर की आवाज़ आ रही है जो कि चल रही है, क्योंकि ऊपर पानी भर रहा है, तो उसको इग्नोर करना है। शायद आ भी नहीं रही होगी, मुझे नहीं पता। एंड एक मैंने आपको स्पेशल बात बतानी है कि मेरे साथ हैं इसकी पूल में, मैंने इन्हें भी बुला लिया था। ये देखो, आपको बताया होगा, इसका नाम है जॉली और ये रेंचर एंड किटी एंड वो। तो इन्हें भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो मैं आपको कैमरा स्विच करके फिर दिखाता हूँ। एंड बाकी बातें मैं आपको अभी बता देता हूँ कि पहले तो आज मिट्टी लेकर आनी है, फिर जो मैं आपको फिर एक करना है मीन्स की जो मैं आपको शायद उस दिन वाले ब्लॉग में मैंने बताया होगा, बट फिर से जल्दी जल्दी कर देता हूँ। एक पीकस की लेयरिंग करनी है, और जो इधर बैरी वाला प्लांट है उसे रीका वाले पॉट में लगाना है, और रीका वाले पॉट को बैरी वाले में लगाना है। तो ऐसे करके, और जो बड़ा पीपल जो मैंने फीकस दिखाया था, जो कीड़े वाला ब्लॉग था, जो कि फीकस पर कीड़ा मिला, वो उसका बोनसाई बनाने हैं, और भी देखने हैं, और एयर लेयरिंग करनी है उसकी, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करनी है। एंड शायद एयर लेयरिंग मैंने आपको बताई दी थी, तो फिर से बता दूंगा तब जब करने लगे एंड मिट्टी आ गई। और जो वो फीकस होगा बोनसाई जिसका बनाया, उसे लेमन साइप्रस वाले पॉट में डालना है, लेमन साइप्रस को बड़े वाले में डालना है। एंड जो उधर सदाबहार है जो कि पेरीविंकल, और उसे भी बड़े पॉट में डालना है। एंड बस आप पीछे देख लो, ये उधर भी वो हमारे कबूतर हैं इधर लेफ्ट साइड पे। तो अब देख सकते, ऐसे कर रहा सीधा कभी, बल्कि ऐसे करने के बजाय तो मुझे पता लगा मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे दिख रहा है ना वो, तो इसलिए। तो वो हमारे कबूतर हैं, आगे पीछे देख लेना। और बाकी एक मैंने आपको चीज़ दिखानी है कि ये कैसे तैर रहे हैं, तो दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो, ये थर्माकोल की शीट जो कि जो हमारा वो सेरामिक लैंप आया था ना, जो कि अरोमा डिफ्यूज़र उसमें थे, उसे पैकिंग करने में कि टूट वूट ना जाए, तो उस डब्बे में ये थे। मैंने ये निकाल लाया, और यहाँ पे किटी एंड ये किटी के डैड जो कि हैं, और तो इन्हें मैंने ऊपर चढ़ा दिया क्योंकि ये डूब जाते हैं बारी बारी। एंड ये दोनों अपना स्विम कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, और इनके मुँह फिर से नीचे होगा, ये देखो ऐसे करके, क्योंकि इनका छल्ला फिर नीचे बाहर आ जाता है, मीन्स की वेट आ जाए, तो इन पुट्ठे हो जाते हैं, मीन्स की उल्टी हो जाते हैं। तो ये आप देख लो। एंड अभी मैं आपको इनके सिनेमैटिक सिखाता हूँ, एंड फिर देखो आप। वैसे पानी भी पूरा साफ साफ है, आप देख सकते हो। तो चलो ये हमारा एसी है, एंड यहाँ से इसका शटर खुलेगा। एंड आपको दिखाता हूँ कि इसके जम बर्फ नहीं, इसके बर्फ़ कैसे जम रही है। एंड अगर आपके भी जम रही है तो आप भी चेक कर लेना। तो ये प्रोसेस सिर्फ चलते चलते ही होगा, मीन्स की जब एसी चल रहा होगा तभी बर्फ़ जमेगी, नहीं तो नहीं। तो हम देखते हैं, पहले मैं शटर खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसका मैंने शटर तो खोल लिया, एंड आप देख सकते हो। एंड इसकी जाली भी मैंने एक हाथ में पकड़ ली है, एक हाथ में कैमरा। एंड ये देखो, ये बर्फ़ ही है पूरी जहाँ जहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, और ये बर्फ़ जम रही है, ये देखो यहाँ पे भी जम रही है, बट इस साइड भी है, बट ये दिख नहीं रही क्योंकि जाली पे थोड़ी सी धूल है। इसे साफ़ करूँगा आके, मैं साफ़ करूँगा, वो आके कर ही जाएंगे वो जो आएंगे, बट हम कर लेते हो तो फिर से भूल गए क्योंकि बर्फ़ जम रही थी, इसलिए कूलिंग नहीं कर रहा। एंड तो इसकी वैसे कूलर जैसी हवा जा रही है जो हमारे ऊपर लगा वैसे ही। तो बस अगर आपको भी जम रही है तो आप भी ध्यान रखें कि आपकी भी ऐसी की गैस लीक हो चुकी है। तो अभी वो आएंगे अंकल जी, तो हम देखते हैं कि क्या होगा। तो वैसे तो उतार कर ही लेके जाएंगे, एंड देखते हैं कैसे सर्वाइव करते हैं, वो भी आपको देख ही लोगे आप अगले ब्लॉग में, इसी ब्लॉग में। तो चलो मैं आपको बस काम करता हूँ, काम दिखाता हूँ कि मैंने कितना किया, मैथ की कॉपी कंप्लीट किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखो, ये पहले यहाँ से शुरू किया, ये तो पहले किया था, ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मैंने आज शुरू किया। एंड ये मैं कर रहा था आज, तो एक ये किया, ये किया। एंड मैं ऊपर कैमरा रख लेता हूँ, आप देख लेना, ये पेज किए हैं, और ये एंड ये और ये, और इतने बारी मैं ये बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस और इतना ही किया। एंड आगे अभी करना है तो मैं आपको दिखा दूंगा। एंड बस इनमें ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बहुत टाइम लग गया क्योंकि मुझे समझ कर करने पड़ रहे थे, तो इसलिए तो बस मैंने इतना सही काम किया। एंड बाय द वे अभी बस बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या करना है। एंड इसे मैं कल सुबह जब हमारा वो होगा टाइम टेबल में टाइम है तो वो दिखा दूंगा। एंड मैंने अपने टाइम टेबल में न्यू चीज़ ऐड किया जो कि यहाँ पे नहीं है, और जो कि वो है कि मैंने रात को वीडियो एडिट करके सो जाया करूँगा, और फिर सुबह बस अपलोड पे लगानी है, वो शायद रात को ही हो जाए, सभी कुछ रात को कर करूँगा, सुबह 8 बजे आ जाए करेगा ब्लॉग, आपको पता ही है। एंड आज भी आ गया, तो चलो बस अभी एसी वाले भैया का वेट करते हैं, आई मीन्स की अंकल जी का, मैं भैया भैया कह रहा हूँ, तो बस अभी वेट करते हैं, जब वो आएंगे तब आपको मिलाता हूँ उनसे, मिलाता नहीं हूँ उसके कैमरे के आगे, मैं दिखाऊँगा ही। चलो
सो गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ एंड एसी वाले भैया अभी तक नहीं आए, देखते आते हैं नहीं, चलो छोड़ो। और अभी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अभी हमें बाहर आ चुके हैं, जो कि मैं वो यहाँ पे छोटा सा पार्क है जहाँ पे फर्स्ट व्लॉग की थोड़ी सी की थी मैंने इंट्रो नहीं मीन की थोड़ी सी बहुत कमेंट्री की थी वहाँ पे आ चुके हैं। एंड मैंने आपको चीज़ दिखानी है कि यहाँ पे एक स्नेक प्लांट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम थोड़ा खेल खुल रहे हैं, मीन की खेल नहीं रहे, मीन से फिर ही रहे हैं, फिर रहे हैं मीन्स की चल ऐसा टहल रहे हैं बस ऐसा भी लो। और स्नेक प्लांट लगा मैं आपको दिखाता हूँ जो कि एक्से वाले भैया ने लगाया, तो देख लो गाइस ये देखो ये स्नेक प्लांट है, पीछे वो दोनों बात कर रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर करना। एंड आपने देखा ही होगा बट मैंने मीन्स की रियलिस्टिक में दूसरी बार देखा, क्योंकि एक तो केवल मासी के घर पर लगा था, वो भी आप जानते हैं वो कौन है, और एक यहाँ पे, बट उनका लाइट ग्रीन था, ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन है। ये प्लांट लगा है एंड ये थोड़ा सा बड़ा वाला लगा है, एंड ये लगा है इसे पता नहीं क्या कहते हैं, विला वगैरह कुछ कहते हैं, बोंगन विला ऐसे से कुछ है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड ये यहाँ पे लगा है एंड यहाँ पे भी बहुत प्लांट्स लगे हैं, आप देख लो यहाँ तो सुखचैनी लगा बड़ा वाला है, एंड यहाँ पे मैंने वो की थी कमेंट्री थोड़ी सी। एंड एक यहाँ पे भी लगा हुआ है बेंच, और ये मुझे पता नहीं कौन सा है, शायद पता नहीं यार कोई फूलों वाला है, बस इतना पता है। और ये देखो एक यहाँ लगा, ये लगा है एलोवेरा, इसकी टहनी मैं तोड़ कर लेकर गया था भैया से पूछकर। और ये देखो ये भी पता नहीं है, शायद स्नेक लगता है, बट शायद मुझे ये वही वाला प्लांट लग रहा है, साइड में काका फिर रहा है यार। और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये मैंने आपको दिखाई दिया। एंड ये बड़े वाला एलोवेरा लगा हुआ है जिसकी पैटर्न यहाँ तक जा रही है, और बाकी आप देख रहे हो। एंड ये लगा है यूरोपियन फैन, हमारा मैक्सिकन है जिसमें थ्रेड्स आते हैं, बट ये यूरोपियन फैन है, और वो वाशिंगटन रोबस्टा, ये सारी बस रोटी फोरलेस है ये, और ये कि यही लगे हैं, रोबस्टा नहीं लगा यहाँ पे, मैं उसे रोबस्टा कहूँगा कि वाशिंगटन रोबस्टा थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो कह देंगे कोई बात नहीं। और ये देखो ये थोड़ा सा खाया हुआ मुझे लगता है किसी इंसेक्ट के द्वारा, इतनी शुद्ध हिंदी। और ये देखो ये भी लगा, ये भी केवल मासी के घर पर लगा था, एंड ये मैं मुझे अच्छा लगता है बहुत, ये लेकर आना है हमने भी नर्सरी से, तो देखेंगे। एंड एक यहाँ ये लगा हुआ, ये तो आपने बता ही दिया। एंड ये भी यहाँ पे लगा, एंड एक यहाँ पे भी लगा जो कि मैंने वहाँ कर इसे भी बताया था। और ये छोटा सा पुल है यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही लगा, यहाँ पे भी लगा, और ये यहाँ पे हैज सी लगे, इसे मुझे पता नहीं यार क्या कहते, शायद इसे, हाँ इसे ड्यूरांटा रेक्टा कहते हैं, और ये से भी ड्यूरांटा रेक्टाज ही हैं। तो बस एक यहाँ पे लगा है, क्या कहते इसे, म्यूटेंट कह रहा हूँ, मलबेरी लगा हुआ है, म्यूटेंट कह रहा हूँ मैं, मलबेरी लगा है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। एंड बाकी ये देख लो कुछ ऐसा व्यू, और यहाँ पे वो पानी भर रहे हैं नूर और हैरी, एंड आप देख सकते हो। एंड ये जो बीच में आ रहा है ये भैया ने लमकाया हुआ है, मीन्स की लटकाया लमकाया पंजाबी का वर्ड है, ये देखो इसमें है पानी जो कि बर्ड्स के लिए हैं, और हम तो वैसे जो पॉट्स रखे हैं ना वहाँ पे ही रख देते, और बस आपने वो देख लिया। एंड कुछ आपको व्यू पूरा दिखा देता हूँ जो कि पहले पहले उसमें डिस्टर्ब हो गए थे, ये देखो कुछ ऐसा व्यू है, और ये सभी प्लांट्स मैंने आपको दिखाने, बाकी ऊपर आसमान है, एंड इधर भी कुछ प्लांट्स लगे, बाकी इनके मुझे नाम नहीं पता यार, तो ऐसे कर रहा था ये भी, ऐसे नहीं करना, और ऐसे नहीं करना चाहता था मैं, क्योंकि पता नहीं कैसे होगा, बट ये मुझे पता नहीं कौन सा है। एंड ये सुख चाह लग गया कि कर लगी है, बाकी आप देख रहे हो इधर कुछ ऐसा है। एंड तो चलो बस आपको मैं देखता हूँ जैसे क्लास देनी हो, तो देखते हैं क्या करना है अभी, तो चलो। इस प्लांट का मैंने गूगल लेंस पर देखा था अभी, इसकी चेक करके स्कैन कर, इसका नाम है यूका फैक्सोनियाना ऐसे से कुछ है, क्योंकि अभी मैंने प्रोनाउंसिएशन इसकी चेक नहीं की, फिर देखेंगे। बाकी गलत प्रोनाउंसिएशन तो कभी नहीं बोलनी चाहिए मीन्स की, अगर आपको पता ना हो तो, इसलिए मैंने गूगल पे चेक करूँगा, मुझे मिली नहीं अच्छे से कुछ, कोई यका जका सा आ रहा था, तो बस आप ये याद रख लो कि यका फैक्सोनियाना है कुछ ऐसा करके, तो ये भी हम लेंगे बाद में देखते हैं। एंड अभी मैं आपको कैमरा स्विच करके बहुत सारी बताता हूँ, चलो। गाइस कैमरा स्विच हो चुका है जैसे कि आपने देख लिया होगा, एंड आगे थोड़ा सा ऑब्स्टैकल आ गई, ऊपर से लंग जाते हैं मीन्स की पार कर जाते हैं, ऐसे समझो पंजाबी का वर्ड है, तो बहुत सारी बातें इतनी भी नहीं करनी, थोड़ा सा बताने मैंने को आपको, तो ये कहना था कि जब हम कहीं भी नर्सरी में जाएंगे तब कोई अरीका पाम लेके आना है, क्योंकि ऊपर वाले रूम में ना थोड़ा सा मीन्स की वो नहीं मीन्स की सिर्फ इंडोर, तो अरीका पाम ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि भाई दूसरे सूख जाते हैं, इसलिए जो हमारे एक तो लेमन साइप्रस ऊपर रखा था आपने देखा होगा, वो थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, बट वो सूखा नहीं है पूरी अच्छी तरह से, इसलिए मैंने उसे नर्सरी में रख दिया उठाकर। और जो कहना था कि छोटा सा ऑरेंज कलर के पॉट में जो प्लांट था उसके भी पत्ते मुरझा गए हैं थोड़े से, तो मैंने उन्हें भी बाहर रख दिया, सभी को बाहर रख दिया, अरेबियन जैस्मिन वगैरह वगैरह को सभी बाहर रख दिया वगैरह कह दिया, तो बस। और मैं अपने ग्लासेस भूल आया हूँ घर पर, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो अभी बस चलते हैं घर पर, देखते हैं घर पर भी चाहे अमरिंदर के पास जाते हैं, तो देखते हैं कहाँ भी जाते हैं, आपको भी बताऊँगा। तो गाइस ये अमरिंदर जी खा रही है कुल्फी जो कि मासी से खिलवा रहे हैं, मीन्स की खवा रहे हैं, जो भी समझ लो। एंड आप देखो बस मैं अभी कमेंट्री करना बंद कर रहा हूँ।
कर रहे हैं। आप मौसम देख लो, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, अब नहीं दिख रहा होगा कि मौसम पूरा ऑरेंज ऑरेंज सा हो गया है। अभी अंदरली विंडो से दिखाता हूँ, तो चलो देखो। तो गाइस ये देखो ऑरेंज ऑरेंज हो चुकी है, शायद आज मी आ जाए, नहीं तो कल हम अपना एसी उतार कर दे देंगे एंड वो रिपेयर करने वाले जाएंगे, मीन्स के अंकल जी आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप अरमिंदर को देखो, अरमिंदर को नहीं अमरिंदर को देखो कि वो कॉली में डाल दी हमने उसके आइसक्रीम बोल में, और देखो आप। ये देखो ये मासी जी ने लमकाए हैं, जो कि अंकल जी ने भी, अंकल जी मासी जी उन्होंने लमकाए हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो कि है ये दही वाला डब्बा है, मुझे शायद वही लग रहा है। तो बाकी इनका ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा है, देखो ऐसे करके किया हुआ है। तो पंछियों के लिए पानी है, जैसे एक्से वाले भैया ने भी लमकाया तो देखो, बट हमने कान पे रखे, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो पंछियों को पानी डालने के लिए। तो ये एक एडवाइस थी। सो गाइज अभी रात हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 10 एंड तो जैसा कि मैं सारी आईटी कंप्लीट हो चुकी है, बस उधर जाकर मैं पीसी पर अपना वो करता हूँ, मीन्स की ये क्लिप भी लगाते हैं जाकर, और फिर जैसा कि आपको पता है मैं रात की वीडियो एडिट कर लेता हूँ, फिर सुबह 3 बजे उठने के बजाय मैं 4 बजे उठता हूँ, और फिर इसलिए सही हो जाता है क्योंकि फिर सुबह सुबह फिर कोई ऐसी कंडीशन ही बन जाती है कि उठा भी जाता है, कभी कभी उठा जाता है। तो इसलिए आपको पिछले बार मैंने बता ही दिया था कि मैं अभी रात को एडिटिंग करता हूँ। तो बस अभी बस एसी वाले भैया नहीं है, एंड एसी की अभी थोड़ी सी कूलिंग हो चुकी है रात को, बाकी अभी तो पंखा बंद है, एंड फिर चला लेंगे और फिर शायद वो कल उतार कर लेकर जाएंगे, एंड फिर 3 दिन लगेंगे और 3 दिन हम कूलर लगाएंगे, देखते हैं कहाँ पर लगाना। एंड बाय द वे जो हमारा उधर साइड रूम है आपको दिखाया ही था, एंड उसका जो है शीशा वो टूट चुका है क्योंकि वो पहले पूरा सही था, एंड जब जिस दिन मीन्स की बारिश आई थी, जिस दिन पाम बाहर निकाले थे, वहाँ पर अंदर थी गर्मी और बाहर थी ठंड, एंड शीशे का जो होता है जैसे फ्रिज में शीशा रखते हैं, अगर उसके ऊपर फ्रिज ठंडी होती है एंड उसके ऊपर अगर गर्म हम बर्तन रख देते हैं तो वो टूट जाता है, तो कुछ ऐसा ही वो फिनोमिना हो गया, तो वो सीधा इसमें क्रैक ही आ गया, तो बस वो टूट गया एंड सारा कुछ हमने निकाल ही दिया। एंड अभी मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ कैमरा, यहाँ पे मेरे बच्चे का बट आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि छोटा सा बजा था, बट कांच बीच में नहीं गया, सिर्फ ब्लड ही हो रहा था बट वो बंद हो गया, तो क्योंकि मैंने लगाई थी बैंडेज ऊपर, बट अभी निकाल दिया क्योंकि नहाने के वक्त इसलिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय।